के प्रखंड अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जी, मंच के संचालनकर्ता जनता दल यू के वरिष्ठ नेता अस्थावा के माननीय विधायक भाई जितेंद्र कुमार जी, नालंदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार भाई कौशलेंद्र कुमार जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए जदयू के नेता और माननीय विधान पार्षद श्री ललन सर्राफ जी, जनता दल यू के प्रदेश महासचिव प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रामदयाल मेहता जी, जनता दल यू के नेता लक्ष्मण कुमार जी, पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, गर्मी के मौसम में धूप को बर्दाश्त करते हुए भी आप सब इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आपसे तो हम यही अपील करने आए हैं कि भाई कौशलेंद्र जी को फिर से विजयी बनाइए और पहले की तुलना में बेहतर ढंग से विजयी बनाइए। तीर छाप के बगल का बटन दबाकर इनको वोट दीजिए। और एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हम जो भी अनुरोध करते हैं, लोगों से समर्थन मांगते हैं, वो काम के आधार पर ही मांगते हैं। आप सबको मालूम है, जितना संभव हुआ है पिछले 13 वर्ष में हमने बिहार के विकास के लिए काम किया है। और प्रारंभ से ही हमने यही कहा कि हम लोगों का संकल्प है कानून का राज कायम रखेंगे और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे। आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि हम लोगों के काम संभालने के पहले इस प्रदेश में 15 साल तक एक परिवार के लोगों को काम करने का मौका मिला, लेकिन किया क्या? बिहार की स्थिति कैसी थी? जंगल राज कहलाता था। बिहार के लोग अगर बिहार के बाहर जाते थे तो संकोच करते थे अपना परिचय देने में कि हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के लोगों का मजाक बहुत उड़ाते थे। और अब स्थिति क्या बदल गई है? अब तो कानून का राज है। और इतने दिनों से न तो हम लोगों ने किसी को फंसाया है और न किसी को बचाया है। कानून से सारा काम चलता है, कानून के मुताबिक। और बिहार में इस ढंग से काम हुआ है, बिहार के लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ है। अब बिहार के लोग बिहार के बाहर जाते हैं तो शान से कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं और हम बिहारी हैं। ये परिवर्तन आया। और न्याय के साथ विकास का मतलब हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। बिहार का कोई इलाका उपेक्षित नहीं। हर इलाके में, अस्पताल के क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें काम नहीं किया गया। और जो स्थिति में परिवर्तन आया है, सब लोग इसको महसूस करते हैं। आज कितना आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हम लोगों ने तय कर दिया कि हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ेंगे। कुछ टोले बच गए थे, उनको भी निश्चय योजना में, टोला संपर्क योजना में, अब हर टोले को भी हम लोगों ने पहचान किया। 4,500 टोला पूरे बिहार का बच गया था। 1400 टोला को जोड़ चुके हैं। 2 साल के अंदर यानी 2020 तक एक एक काम हो जाए। और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। आप जरा बताइए, 15 साल मौका मिला था हम लोगों के पहले, किसके लिए काम किया? 2001 में जब पंचायत का चुनाव हुआ तो किसी को आरक्षण मिला? अति पिछड़े वर्ग की बात तो छोड़ दीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं मिला, महिलाओं को भी नहीं मिला।